ये ने तो अपना प्रोग्राम चालू कर दिया है। मेरा तुम्हारा बर्थडे और तुम्हारा बर्थडे हम कोई खास सेलिब्रेशन कर दे रहे हैं, तो तुम बड़े होके बोलना मत कि हमने अच्छा कुछ नहीं किया। अच्छा। ये हमारा डोसा वाले भैया बर्थडे नायरा का और चीजें ये ले रहे हैं। स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। और भाई सब लोग जा रहे हैं आज, क्योंकि आज है 24 जून और आज है नायरा का बर्थडे, जो कि सो गई है। दिख रही है इसमें, सो गई है वो शायद। तो हम सब माताजी, मैं, दिया अपना मास्क लगाया, आप देख ही सकते हैं उनको, तो भैया परेशान रहती हैं। पीयू, हम सब जा रहे हैं अब अलीगढ़ जा रहे हैं। अलीगढ़ जाके खा भी लेंगे, थोड़ा बहुत घूम लेंगे, आउटिंग हो जाएगी। यही सेलिब्रेशन है इस बार, और कोई सेलिब्रेशन नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का हमने सोचा कि अगले साल से, क्योंकि पूरा एक हफ्ते के बाद तीन हफ्ते लगातार बर्थडे आता है इनका जून में, तो कोई ट्रिप प्लान कर लिया करेंगे, तो ये नेक्स्ट ईयर का प्लान है। फिलहाल तो इस साल अभी तो अलीगढ़ ही जा रहे हैं। और मौसम भी देखो आप, बहुत ही बढ़िया हो रखा है। बाहर मतलब दिखने में आप ऐसे देखोगे तो ऐसा लगेगा कितना मस्त मौसम है, लेकिन आप बाहर निकलोगे ना तो शानदार वाली उमस हो रही है। बारिश हो जाएगी तभी जाके चैन मिलेगा। फिलहाल तो पहुंचते हैं अलीगढ़। दिए ने तो अपना प्रोग्राम चालू कर दिया है, देख सकते हो आप, उल्टी उल्टी कर चुकी है और घर से निकले बस मुश्किल से 10 किलोमीटर आगे आ पाए, तो इसके साथ ही बहुत दिक्कत है। इसको मोशन सिकनेस अभी धीरे धीरे जाएगी, तब जाएगी, लेकिन दिक्कत ये कि हम रखते हैं उसके लिए पॉलीथीन वगैरह, पर वो मुंह पे ऐसे कवर करके लगा के रखती है, और छोटी तो है ही, आती है तो बताती नहीं और उसको दबा लेती है, तो पूरी उल्टी उसके पूरे कपड़े वपड़े गंदे जाते हैं। खैर हम एक दो जोड़ी एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, पर क्या कर सकते हैं, उसको समस्या है तो है। तो रुके हुए हैं, समाधान हो रहा है, लगता हो गया समाधान। ओ देखिए आप, वो नंगू पंगू बेचारी खड़ी है, अब टी शर्ट पहनाई जाएगी इनकी और फिर काम होगा। बस आपका सेलिब्रेशन, हाँ वो कोई बात नहीं। अब बेटी ओहो टी शर्ट वी शर्ट पहन ले, देखो ठंड लग रहा है। आप बता दिया करो, आप पन्नी में, पन्नी है ना अपने पास, पॉलिथीन लाए, बिन बैग लाए, उसमें आराम से हो जाएगी। अगर ये ना बुका तौलिया हटा लेते, तौलिये में करा देते, तौलिया जबरदस्ती लगा, तो उसको पता नहीं उसको क्या कहता, जब आती है ना तो और दबा लेती है वो। हाँ, दबाई पड़ी थी, हम जबरदस्ती करे छोड़। अब बेटा आप बता, छोड़ दिया करो, ठीक है, टूट गल है मेरी बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको समझ गई, ठीक है, चले अब, चलो चलो। बारिश हो गई है, बहुत बढ़िया हुआ। अब बस घंटे बटे देखे जाने पड़ेंगे, लग रहा है यहाँ घंटे बड़े हो गए इस रोड पे, लेकिन चलो थोड़ी राहत तो मिलेगी टेम्परेचर में, उमस में, थोड़ी उमस तो ख़त्म होगी। और बड़े आराम आराम से चलाना पड़ रहा है, बहुत देर हो गई निकले, आधा घंटे एक घंटा हो गया, अभी तक पहुँचे ना है, पहुँच ही जाएंगे। तो भैया देख रहे हैं रास्ता, फिलहाल हमारा जो बारिश इतनी तेज़ हो गई थी ना, तो प्लान में बहुत सारा चेंज कर दिया हमने। हम जो है अलीगढ़, क्योंकि बारिश इतनी हो गई तो हमने वहाँ पता नहीं पानी वानी भरा होगा, तो वो चेंज करके हम यहाँ पर, हमारी बुआ रहती हैं पास में अतरौली में, उनके आ गए, उनके यहाँ बैठे थे, अब वापस जा रहे हैं, अब हम कासगंज में ही जाएंगे, और अब मौसम क्योंकि ऐसा हो गया माहौल, तो वहीं बैठ के कहीं कुछ खावा लेंगे, ले भी लेंगे, बेसिकली पेस्ट्री वगैरह ले लेंगे, वो आम भी लेने, यार ध्यान रखना पापा के लिए। नायरा तुम्हारा बर्थडे और तुम्हारा बर्थडे हम कोई खास सेलिब्रेशन कर दे रहे हैं, तो तुम बड़े होके बोलना मत कि हमने अच्छा कुछ नहीं किया। अच्छा तो करा बुआ के घर आके, अब बुआ के घर आया, मजा आया बच्चों को, रुपए मिले जाए, अच्छा रुपए भी मिल गए, बताओ दक्षिणा। ये देख रहे हो आप, ये हमारा डोसा वाले भैया, तो आज देवकी का मूड था कि अब तो लेट हो ही गए हैं, तो डोसा खाने का मन था उसका, तो डोसा खाया हमने। तो हमारी इसको उल्टी की दिक्कत है ना, तो ये बैठ ही नहीं पा रही है, इनको बहुत गुस्सा आ रही है। और ये जो डोसे वाले भैया हैं, ये बहुत ही बढ़िया, मतलब साउथ के ही हैं, तमिलनाडु के ही हैं, इकलौते हैं तमिलनाडु के, तो इनका टेस्ट थोड़ा और जगह से बेहतर है। बाकी जगह तो क्या होता है ना, थोड़ा नॉर्थ इंडियन टच दे देते हैं। हमें पकड़ना है, एक मिनट पीछे रखना है, अब होटल रेस्टोरेंट नहीं जा रहे बेटा, अब घर ही जा रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट ले जाऊंगा ना बाद में तेरे को, अब सब लोग कोई नहीं जा रहा, तेरे अकेले के लिए जाएंगे, फिर बैठेंगे। वो आ रहा, मम्मी तेरी परेशान है, मम्मी भी तेरी मोशन सिकनेस का शिकार हो चुकी है, इसलिए तो बाहर बैठ के यहाँ पर करा है। हाँ।
हाँ चल ठीक है, अब मैं बात कर लूँ तो क्या बाकी सब, ये भी आजकल नॉर्थ इंडियन टर्म्स वैसे देने लगे हैं, बाकी सब देते ही हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा अब आजकल देने लगे हैं क्योंकि लोगों को बड़ी बड़ी सब्जी के पीस अच्छे नहीं लगते सामर में, पर सामर में वही अच्छे लगते हैं। तो एनी वेज और लोगों से तो बेटर है, तो और इस टाइम खासकर में ना इतनी भीड़ रहती है इस रोड पे, ये बेसिकली सब्जी वब्जी भी यहीं मिलती है और ये एक तरीके से खासकर की खाऊ गली है, पीछे जहाँ से हमने डोसा लेना वहाँ सब खाने पीने का लाइन से। अरे बेटा थोड़े देर शांत रहेंगे प्लीज 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 प्लीज, ठीक है ठीक है। ओ ओ यहाँ से निकलने में 10 मिनट, अरे अरे इससे ले लेते ना पेस्ट्री ले लेते हैं इससे, पिछले बार ठीक थी ना, पिछले बार ठीक थी ना, हाँ तो इसी से लेके गया था ना, सही थी ना। चलो आओ मुझे बताओ कौन सी वाली लोगे तुम, लॉलीपॉप नहीं पेस्ट्री कौन, इसमें से चूज कर लो। अरे इधर आओ पहले, वो बाद में लेना, वो दिला दूंगा बाद में, इधर आओ इसमें से बता दो कौन सी पेस्ट्री चाहिए तुम्हें। चलो चलो बर्थडे नायरा का और चीजें ये लेके ले रहे हैं। अब चैन आया भाई बाहर निकल के, मार्केट में तो इतना ट्रैफिक था पूछो मत। अरे कासगंज भी बहुत बदल गया है पूरे, इधर जो है अलग अलग शॉप सब खुल रही हैं, आज से 5 साल बाद देखना हमारा कासगंज भी बिल्कुल मस्त शहर हो जाएगा, बढ़िया शहर जबरदस्त वाला। तो ये रेस्टोरेंट है राजमहल जो बिल्कुल नया खुला हुआ है, यहाँ पर रेस्टोरेंट पहले मराठा के नाम पे था ये, तो ये रेस्टोरेंट जो है इसका प्लान था मेरा कि आज यहाँ पर खा के देख लेंगे, पर लेकिन फिर बाद में प्लान चेंज कर दिया कभी किसी दिन और आके खा लेंगे, देख लेंगे खा लेंगे। दिक्कत क्या हो गई ये बता दो, अभी घर पे घुसे नहीं और तुम्हारी लड़ाइयाँ पहले चालू हो जाती हैं। मुझे वो फोटो भेज देना प्लीज। क्या भेज दिया मैंने फोटो, बहुत लड़ाई करते हो तुम और तुम। ये लड़ाई तो चलती रहेगी भाई, फिलहाल तो मैं नहा लेता हूँ, यहाँ तो एक बूंद बारिश नहीं हुई, मतलब थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश हुई है बता रहे, जैसे वहाँ बारिश हुई जम के वैसे कुछ नहीं, मैं सोच रहा था यहाँ पर भी हुई होगी तो मौसम ठंडा बन गया होगा, मस्त नींद आएगी, मुझे लगता नहीं है, कल पूरी रात नहीं सोना ढंग से तो अभी नींद भरी पड़ी आंखों में। प्लान तो आज सब उल्टा सीधा हो गया, कहाँ अलीगढ़ खाना जाने वाले थे, बारिश होगी तो वहाँ नहीं गए, कासगंज में आए तो सबको मोशन सिकनेस थी तो रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं खाया, पर वो भी अच्छा था साउथ इंडियन वाला, वो ले आए वहाँ से पैक करा के, मैंने तो कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं, अभी नहा के देखता हूँ भूख से लगेगी तो अपने ऑमलेट खा लूँगा अपना और बस दैट्स इट। बारिश नहीं आज सुबह से बारिश हो रही है भैया, कल रात में आके ना जो मस्त सोया हूँ इस बार, कल बहुत अच्छी नींद आई, थोड़ा मौसम ठंडा था ना बहुत अच्छा लगा, मस्त उठा के सीधे अभी आ गया हूँ इधर मंडी आया था काम से और मस्त बारिश हो रही है और बारिश का मज़ा ले रहे हैं हम लोग, क्या मस्त है। अब बस थोड़ा सा एक चक्कर लगाते हुए कासिम का पूरा फिर पहुँचेंगे घर आराम से, यही कर रहे हैं आज बिच्छू में है ना बिच्छू, काम का काम और बारिश का आनंद, आहा और जुकाम भी हो गया है मुझे, कल हल्का सा ठीक किया था कल जब मैं जा रहा था अलीगढ़ तो पहुंच ही नहीं पाए, जा रहा था अलीगढ़ लेकिन फिर वो कासगंज जाके कर लिया आपने, खैर वो देख ही लिया उस, तो फिलहाल कहीं देख रहे हैं बढ़िया जगह थोड़ा बोटा खा लेंगे हल्का फुल्का गर्म गर्म चीज़ बारिश वाली और चाय पी लेंगे, इधर से चलना बिल्कुल, हाँ नहीं इधर से चल, इधर से चल, इधर से चल। देख रहे हो चाट पकौड़ी मंगौड़े सब लगे हुए हैं यहाँ पर, अब इसकी दुकान से जाके हम यही खाएंगे क्योंकि ठंडी में भाई यही सब चीज़ अच्छी लगती हैं, तो अभी मंगाते हैं फटाफट खाते हैं। ये है बढ़िया देखो आलू के बरूले जो हम अभी खाएंगे, और यहाँ कासगंज में से बरूले बोलते हैं आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, सिर्फ बता देना आप, तो ये मेरे फेवरेट हैं, तो बारिश वारिश होती तो मन लग जाता। और बिच्छू को देखो, देखो बिच्छू ने मंगाए थे बड़े, किसके बड़े, ये मूंग की दाल के ना,
तो इसमें निकला बहुत बड़ा बाल जो उधर जाके बोल देना भाई ये बाल निकला है। फिलहाल हम तो इस खाने में बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, पेट भर गया भाई जबरदस्त, बहुत बढ़िया भरूले थे। और अब जा रहे हैं हम घर, बारिश भी अब हल्की सी हो गई है, अलग बहुत बढ़िया रहा है। बारिश में मतलब घूमने का आनंद अलग आता है, क्यों भाई बिच्चू है ना, निकल लो पहाड़ों की तरफ निकल लो, ऐसा हो ना पाएगा भाई, काम बहुत सारे पड़े हैं, तो ज़्यादा स्माइल को कम कर लो इसलिए। और ये हमारी विश्व प्रसिद्ध नहर जो आपको पता नहीं मेरे कितने वीडियो में दिखी हुई, अगर कोई देखता हो, कोई नहीं देखता था, कोई नहीं देखता, और इस पॉइंट तक देख लिया है तो भाई लाइक भी कर लो, चैनल को शेयर भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, सब कर लो यार, करो करो फटाफट करो यार, हजार तो करवा दो यार। We'll be right back.